हेलो गाइस, हाल ही में खबर आई थी कि जी टीवी के शो कुंडली भाग्य में नया लीड एक्टर जुड़ने जा रहा है और खबरें आई थी कि शो से एक्टर अमर उपाध्याय जुड़ेंगे। लेकिन अब खबरें हैं कि शो से अमर उपाध्याय नहीं बल्कि कोई और एक्टर जुड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिर वो एक्टर कौन है। जैसा कि जनरेशन लीप के बाद से एक्टर शक्ति अरोड़ा की एग्जिट हो गई है, क्योंकि वो शो में फादर का रोल नहीं करना चाहते थे। लेकिन शो में एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य नजर आ रही हैं और खबरें थी कि शो में श्रद्धा के अपोजिट एक्टर अमर उपाध्याय को लाया जाएगा। लेकिन अमर उपाध्याय शो से नहीं जुड़ रहे हैं, तो वहीं शो के लिए मेकर्स ने नया लीड एक्टर फाइनलाइज कर लिया है और अब शो में नजर आएंगे एक्टर शक्ति आनंद। शक्ति आनंद शो में नए करण की भूमिका में दिखाई देंगे। एक्टर शक्ति आनंद भी टीवी इंडस्ट्री के एक वेल नोन एक्टर हैं। ये इससे पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक लड़की अनजानी सी, डोली सजा के, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, बालिका वधु और लास्ट टाइम चन्ना मेरिया में दिखाई दिए थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि शक्ति आनंद को नए करण के रूप में कितना पसंद किया जाएगा। आप शो में इनकी एंट्री को लेकर है कितना एक्साइटेड, हमें बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।